उत्तराखंड में विधानसभा अनुपूरक बजट सत्र के दूसरे दिन दो महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गए। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में मतांतरण को लेकर कठोर कानून का प्राविधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने इन दोनों विधेयकों को भी कैबिनेट से मंजूरी दी थी। बुधवार को विधानसभा में इन विधेयकों के पास होने से प्रदेश में इसे लागू करने की जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी। वहीं हल्द्वानी भाजपा संभाग कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे महिलाओं के बारे में सोचा, इस देश की महिलाओं के बारे में सोचा कि 30% आरक्षण जो दे रखा है उसमें जो सरकारी नौकरियाँ महिलाओं में मिलती थी, पर इस बार आरक्षण देखे तो उन्होंने और अच्छी सुविधा कर दी है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे रितु खंडूरी जी ने भी वहाँ पे, वो इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं, और हमेशा भाजपा महिलाओं के बारे में सोचती है, तो हम बहुत अत्यंत खुशी से उनका आभार प्रकट करते हैं। देखो, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय रितु खंडूरी जी की अध्यक्षता में आज ये उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, सिर्फ उत्तराखंड के लिए हुआ है ये, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है। हम महिलाओं के लिए 30% आरक्षण मिला है आज हम लोगों को, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनकी सरकारी नौकरी के लिए ये आरक्षण मिला है, तो इसमें बहुत हम लोग महिलाओं में खुशी है, इसीलिए हम लोगों ने आज ये मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम रखा है। आज बड़े हर्ष का दिवस है कि हमारी सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान में जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसी के तहत आज राजकीय सेवा में 30% का जो आरक्षण हमारे विधेयक पास हुआ है, इस खुशी के उपलक्ष्य में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिले के नेतृत्व में एक यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसमें हमने मिष्ठान वितरण के द्वारा खुशी मनाई है और ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ है।